कोरोना वायरस के चलते हमीरपुर में व्यवसाय पूरी तरह ठप होकर रह गए हैं। हमीरपुर शहर के मशहूर मिठाई विक्रेता सूर्य स्वीट की सूर्य इंडस्ट्री में प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिससे 100 से ज़्यादा कारीगरों को अपनी जेब से खाना खिलाकर उनका पालन किया जा रहा है। बता दें कि सूर्य स्वीट का हमीरपुर में अपना एक अलग नाम है और शहर में 5 दुकानों के अलावा एक रेस्टोरेंट और डिब्बे बनाने का भी कारोबार सूर्य इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है, लेकिन कोरोना बीमारी के चलते कामकाज ठप रखने पर अब तक करीब 40 लाख का नुकसान भी सूर्य इंडस्ट्री को हो चुका है। वहीं सूर्य स्वीट के कारीगरों को अपने घर पर पनाह देकर रोजाना 2 वक्त की रोटी भी दी जा रही है, तो उनकी देखभाल भी ठीक ढंग से की जा रही है। साथ ही कोरोना बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर के अलावा दूसरे एहतियात रखने के लिए भी मजदूरों को सूर्य इंडस्ट्री द्वारा आह्वान किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा भी इन कारीगरों को राशन देने की बात कही गई थी, लेकिन सूर्य स्वीट इंडस्ट्री की ओर से मनाही करने पर खुद ही इन कारीगरों को खाना मुहैया करवाया जा रहा है। सूर्य इंडस्ट्री के मालिक अशोक धिमिजा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते पिछले कई दिनों से घर पर ही समय गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में ही वायरस ने कहर बरपाया है, तो ऐसे में सभी घर पर ही रह रहे हैं। धमीजा ने बताया कि कभी दिन में 2 से 3 हज़ार लोगों से मुलाकात करनी पड़ती थी, लेकिन आज घर पर ही दिन गुजारने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपने खर्चे पर ही 100 से ज़्यादा कारीगरों का पालन किया जा रहा है। धमीजा ने बड़े दुखी मन से कहा कि कारोबार सारा खत्म हो गया है और अब भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान सभी का भला करे। अशोक धमीजा ने लोगों से अपील की है कि आपदा की घड़ी में अपने घरों में ही रहें, क्योंकि जान है तो जहान है, इसलिए बीमारी से बचने के लिए सभी को नियमों का पालन करना ही होगा। दिन तो अब आप सबको पता ही है कैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं सब, मतलब पूरा दिन रोज का 3-2.5-3 हज़ार बंदों से मिलना जुलना बाजार में, और वो तो सारा बंद हो गया, कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अब तो यही है कि परमात्मा से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सबको परमात्मा सही करे और सारा जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किए हैं उसके ऊपर सब गौर करें, पूरे घर से बाहर ना निकलें। यही हमारा बचाव है, जीवन जान है तो जहान है, अगर जान नहीं तो कहेगा जान है। फिर मुझे शहर में सबसे बड़े व्यवसायी थे मिठाई के, आप और काफ़ी दुकानें हैं आपकी, तो कितना का नुकसान अंकल किया आपने? नुकसान तो मैं अभी अंकल कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इतना पता कि कम से कम मेरा 35-40 लाख का नुकसान हो चुका है। इसके बाद अभी दोबारा से अब दुकानें इस्टेब्लिश होंगी, दोबारा से सब कुछ होगा, क्योंकि सारी दुकानों के हमने डिस्ट्रॉय किया सामान, फैक्ट्री का डिस्ट्रॉय किया, तो ये तो नुकसान है ही है। आपके पास वर्कर भी काम करते हैं, तो उनका क्या स्टेटस है इस वक्त, क्या कर रहा है? वर्कर ऐसा है जो तो हमारी डिब्बे वाली यूनिट है उसके तो सारे वर्कर घर में लोकल हैं यहाँ के, और जो मिठाई वाली यूनिट है उसमें भी 50 को तो वर्कर लोकल हैं जो सब अपने अपने घर चले गए हुए भेजे हुए हैं, और जो बाहर से हैं कुछ यूपी और बिहार से हैं वो 80 बंदे हैं मेरे पास अभी, तो मैं उनके रहने खाने पीने का सारा मैंने बंदोबस्त किया हुआ है, और दिन में 3 बार सैनिटाइज करते हैं और उनकी साफ सफाई का और रहने का मैं पूरा खुद ध्यान रख रहा हूँ, और मैं दिन में सारे दिन उनके साथ में उनका सब चीज़ देखता हूँ, उनका रहने का सहने का सब कुछ। इतना समय हो गया आपको भी, क्या लगता था कि ऐसा वक्त भी देखना पड़ेगा कभी? नहीं, ऐसा हमने अपनी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था, कभी देखा ही ना सुना था कि ऐसा भी हो सकता है।